अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही आसान सा बेकरी आइटम लेमन बिस्किट्स। इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही झटपट बनके तैयार हो जाता है, तो इसके लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए जो चीज़ें हम शामिल करेंगे वो हमने ली है, यहाँ पे मैंने बटर लिया है 50 ग्राम्स के बराबर, एक अदद अंडा लेंगे, शक्कर लेंगे हाफ कप, मैदा लेंगे 2 कप के बराबर, इसके बाद हम लेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून, बेकिंग पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून, आइसिंग शुगर या पाउडर शुगर लेंगे यहाँ पे थोड़ी सी मकदार में, इसके अलावा लेमन जेस्ट लेंगे और लेमन जूस लेंगे 2 टेबल स्पून। अब इसको किस तरह बनाना है तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले एक बाउल में हम यहाँ पे बटर ऐड कर देंगे, ये 50 ग्राम्स के बराबर लिया था। अब हम इसमें शक्कर ऐड कर देंगे 1/2 कप और इसको बीटर की मदद से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे अंडा और इसको भी मिक्स कर लेंगे और इसको तकरीबन हम 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करेंगे और जब इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का हो जाएगा तो अब हम इसमें ऐड करेंगे वनीला एसेंस 1/2 टीस्पून के बराबर मैंने यहाँ पे लिया था। इसके बाद लेमन जेस्ट डालेंगे और लेमन जूस ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून, बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून और इन सबको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें मैदा ऐड करेंगे, मैंने यहाँ पे 2 कप के बराबर लिया है और इसको हम आपस में मिक्स करके इसकी इस तरह से डो बना लेंगे। तो देखिए ये डो अब हमारी तैयार है। अब हम इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे और इसके बाद अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। इस तरह से ये देख सकते हैं आप, और इसको मैंने यहाँ पे आइसिंग शुगर में जो है इसमें डिप कर लिया था, तो ये देखें इस तरह से इस पर आइसिंग शुगर जो है वो कवर हो जाएगी। और एक पैन में हम बेकिंग पैन में बटर पेपर लगा के इसके ऊपर हम रखते जाएंगे। तो देखें ये सारे हमारे रेडी हो गए हैं, अब हम इसको बेक कर लेते हैं। इसको तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए हम बेक करेंगे और ये ओवन में थोड़ी देर बाद इस तरह से फूलना शुरू हो जाएंगे और उसमें इस तरह से क्रिंकल ये क्रैक्स बन जाएंगे। तो ये अब हमारा रेडी है, ये देखें ये बेक हो चुका है हमारा। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो आपने देखा होगा ये कितना आसान है इसको बनाना और ये बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाता है और ये बहुत ही मज़ेदार खट्टा मीठा सा बनके तैयार होता है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।